हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेट का यूज, लेट का हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं और लेट से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और दो चार पांच सेंटेंसेज आपको करके दिखाएंगे, उनके एग्जाम्पल्स दिखाएंगे कि कैसे हम लेट का यूज पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं सीधे सीधे, और एग्जाम्पल दिए हैं, इनसे जो है समझने में आपको बहुत सहूलियत होगी। लेट का प्रयोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, जैसे कोई सेंटेंस है, ही लेट्स मी रीड माय बुक, वह मुझे मेरी पुस्तक पढ़ने देता है। लेट देना, लेट्स लगा है, प्रेजेंट टेंस में हो गए, इनडेफिनिट में, पढ़ने देता है, इसकी सहक्रियाएँ होती हैं पैसिव वॉइस में, इज आर एम। तो इसका ये है एक्टिव, इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो मी का आई हो जाएगा, आई एम लेट। यहाँ पे मेन वर्ब लेट है ना कि रीड, यहाँ पे मेन वर्ब लेट है, तो लेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, इसलिए मैं लगा दिया आई एम लेट रीड माय बुक बाय हिम, आई एम लेट रीड माय बुक बाय हिम। इस तरह सेंटेंस हमने बना दिया। अब जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस है, यू शुड लेट हिम गो होम, तुम्हें अब उसे घर जाने देना चाहिए या तुम उसे अब घर जाने दो, यह एक्टिव, तो इसका पैसिव बनेगा, हिम है ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा ही शुड बी लेट गो होम बाय यू, ही शुड बी लेट गो होम बाई यू, उसे तुम्हारे द्वारा घर जाने दिया जाना चाहिए। अगला सेंटेंस है, सी डज नॉट लेट मी रीड माई बुक, सी डज नॉट लेट मी रीड माई बुक, वह मुझे मेरी पुस्तक नहीं पढ़ने देती, तो इनडेफिनिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसलिए कर दिया, मी है ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा आई, आई के साथ आता है एम सक्रिया, आई एम नॉट लेट रीड माई बुक बाई हर, आई एम नॉट लेट रीड माई बुक बाई हर, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस है, वाई डज ही नॉट लेट हर गो होम, वाई डज ही नॉट लेट हर गो होम, वह उसे घर क्यों नहीं जाने देता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ये तो एक्टिव है, हर का होता है सी, प्रश्न सब तो पहले यही लगाएंगे, वाई सी है एक वचन, तो इसकी सहक्रिया इज, वाई इज सी नॉट लेट, लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, वाई इज सी नॉट लेट गो होम बाय हिम, वाई इज सी नॉट लेट गो होम बाय हिम, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, एग्जाम्पल ना देखिए, दे शुड लेट हिम डू दिस वर्क, डू हिज वर्क, सॉरी, दे शुड लेट हिम डू हिज वर्क, वे उसे उसका काम करने दें, या वे उसे उसका काम करने दें, या उन्हें उसका काम उसे करने देना चाहिए, तो इसका पैसिव बनेगा, ये तो एक्टिव है, इसका पैसिव बनेगा, ही शुड बी लेट डू हिज वर्क बाय देम, ही शुड बी लेट डू हिज वर्क बाय देम, उसे उसका काम उनके द्वारा करने देना चाहिए, ये हो गया इसका पैसिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द फेयर, माई ब्रदर नेवर लेट मी विजिट द फेयर, मेरे भाई ने मुझे कभी मेला नहीं घूमने दिया, मेरे भाई ने मुझे कभी मेला नहीं घूमने दिया, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, सिंगुलर के लिए वाज, प्लुरल के लिए वर, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, आई वाज नेवर लेट विजिट द फेयर बाय माय ब्रदर, मुझे कभी भी मेला घूमने नहीं दिया गया बाय माय ब्रदर, मेरे भाई के द्वारा, मुझे कभी भी मेला घूमने नहीं दिया गया मेरे भाई के द्वारा। अगला सेंटेंस है, आई विल नॉट लेट यू डू दिस वर्क,
मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। तो इसका पैसिव बनेगा, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनेगा यू विल नॉट बी लेट डू दिस वर्क, यू विल नॉट बी लेट डू दिस वर्क बाय मी, यू विल नॉट बी लेट डू दिस वर्क बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा यह काम नहीं करने दिया जाएगा, तुम्हें मेरे द्वारा यह काम नहीं करने दिया जाएगा। यू विल नॉट बी लेट डू दिस वर्क बाय मी। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बताए थे, और लेट के बारे में और आगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के हम आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहे हमारे साथ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले को जरूर दबा दें, ताकि हमारे में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।